आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पूरी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसको डिनर में, लंच में या सुबह के नाश्ते में कभी भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। आपका स्वागत है मेरे चैनल में आराधिका की कुकिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, 1 चम्मच भर के मैंने जीरा डाला है, भूनने देते हैं इसको। 1/2 टीस्पून हींग डाली है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ हल्दी डाल रही हूँ। अच्छे से भून लेते हैं मसालों को। ये मैंने मसाले आलू के ऊपर या अपनी स्टफिंग के ऊपर इसलिए नहीं डाले हैं, थोड़े से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए मैंने ऑयल में डाले हैं। ये एक मैंने प्याज लिया है बिल्कुल बारीक, जिसको मैंने काट लिया है, इसको अच्छे से भून लेते हैं। मसाले ऑयल में डालकर भूनने से एक अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ऑयल में डालकर इनको भूना है। तो चलिए फटाफट से ऑनियन को हम भून लेते हैं। बहुत अच्छे से मैंने मसाला यहाँ पर भूना है। ये मैंने एक टमाटर डाला है बिल्कुल बारीक कटा हुआ, 1/2 शिमला मिर्च डाली है मैंने, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। बहुत अच्छे से भून लेते हैं। ये 1 टीस्पून नमक है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है, इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज़ का आलू, जिसको मैंने उबाल लिया था रफली, मैंने इसको मैश कर लिया है, ये मैंने मिक्स किया है अब इसमें। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से हम भूनेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है, ठंडी होने के लिए रख देते हैं। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्रेड स्लाइस ली है और एक ही ग्लास लिया है इस साइज़ का। ये देखिए, ग्लास की हेल्प से हमें ऐसे इसकी शेप्स काट कर अलग करनी है। सारी स्लाइसेस ऐसे ही हमें तैयार करनी है, फटाफट से कर लेते हैं। और जो ये ब्रेड बच रहे हैं हमारे, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और इसी रेसिपी में मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी। ये सारी स्लाइसेस हमने कट कर ली हैं, अब इनको हम मिक्सर जार में डालकर फटाफट से इनके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ब्रेड क्रम्स हमारा रेडी है, अब हम अपनी पूरियों में स्टफिंग कर लेते हैं। ये देखिए, पहले मैंने एक स्लाइस ली है, उस पर थोड़ी सी हम स्टफिंग रखेंगे और ये मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा पानी चारों तरफ लगाऊंगी। आप उंगली से भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से पानी इस पे चारों तरफ लगाना है और एक दूसरे स्लाइस लेकर उसके ऊपर भी हमें ऐसे ही पानी लगाना है। और अब इसको ऐसे उठाकर चारों तरफ से हमें इसको दबा देना है। और देखिए, एक पूरी रेडी हो गई है हमारी। ऐसे ही सारी पूरियाँ हम रेडी कर लेते हैं। तो हमारी सारी पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं, चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, जिसको मैं स्लरी बना रही हूँ, जिसकी थोड़ी हमें पतली स्लरी ही बनानी है, आप थोड़ी ज़्यादा भी बना सकते हैं। लम्स इसके बिल्कुल निकाल देने हैं। अब हमें जो हमने ब्रेड पूरी अपनी बनाकर रेडी करी हैं, ये मैं ब्रश की सहायता से इसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी। आप स्लरी थोड़ी ज़्यादा बनाकर इसमें डिप भी कर सकते हैं। इसको हमें दोनों साइड ब्रश से ऐसे लगाना है। फिर उसके बाद जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, उसमें हमें इसको ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देने हैं। ये चिपक जाएंगे बहुत आराम से। थोड़ी देर हम इनको ब्रेड क्रम्स में ही रखेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से इसमें चिपक जाए। ऐसे ही सारी पूरियां हम रेडी कर लेते हैं।
देखिए सारी पूरी मैंने ऐसे रेडी कर ली थी, ऑयल भी गर्म हो चुका है। पूरियाँ डाल देते हैं ऑयल में। ऑयल हमें एक बार में बहुत तेज़ गर्म करना है, और जब हम पूरी डालेंगे तो हमें ऑयल मीडियम फ्लेम पर कर देना है। अगर हम ठंडे तेल में ब्रेड पूरी डालेंगे तो हमारे जो ब्रेड हैं बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर मुँह में खाने पर बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। पूरियों को लगातार ऐसे बीच बीच में चलाते रहना तो एक जैसी सिकेंगी दोनों तरफ से। ऐसे ही मैंने सारी पूरियाँ अपनी रेडी कर ली हैं बनाकर, तो चलिए उतार लेते हैं इनको। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए आराधिका की कुकिंग चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली और ऐसी ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।